हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये मैं और अभी शाम है, मतलब शाम का टाइम है, और मैं, हस्बैंड जी और मेरी जेठानी पीछे खड़ी है। हम तीनों आए थे मधुबन, इनको अपने मतलब टीथ दिखवाने थे। तो वो जो डॉक्टर हैं वो नेवता पे चले गए थे बंद करके, तो इसके पापा ने कॉल किया तो उन्होंने बोला मैं नेवता पे आ गया हूँ, तो उसके बाद मुझे सामान लेना था तो मैं यहाँ दुकान में आ गई हूँ। हमारे यहाँ मधुबन में एक नेहा का दुकान है, नेहा मीन्स दुकान का नाम है। वहाँ बहुत भीड़ होती है और सामान वहाँ का अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने सामान लिया, उसके बाद हमने रसमलाई खाया, उसके बाद बच्चों के लिए हमने हेलो चाउमीन पैक एवरीवन, करवाया, वेलकम फिर बैक हम टू माय खाना चैनल। खाए। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गर्मी अपने चरम सीमा पर है, बिल्कुल ही बहुत तेज गर्मी हो रही है। नहा के फिर जाओगे क्या लाने? फिर ले आई रहती हा? ले आई रहती, फिर नहा ले रहती। हम ना भाई, तो हम इतना काम बा। मैंने आज अलमारी के सारे कपड़े निकाले हैं गाइस, वो मुझे सेट करना है, क्योंकि मुझे किसी का पेटीकोट मिल रहा है, किसी का ब्लाउज मिल रहा है, किसी का साड़ी मिल रहा है, तो ऐसे करके मैं तीन रंगा पहन रही हूँ, पता है। तो इसलिए मैंने आज निकाला है कि आज मैं उसे सब सरियाऊंगी। और लाइट नहीं है, गर्मी तेज है, और हस्बैंड जी को आज जाना है मंदिर में यहाँ पूजा करने। हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है जो कि मैंने पहले शेयर किया है, आप लोगों ने देखा होगा पहले का वीडियो। तो मैंने बोला आज चढ़ा दो, और पता नहीं ये वहाँ का वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे। पीहू चले चले जाना, मेरी लड़की तो और ना बनाना चाहे वीडियो। तो हस्बैंड जी सुबह उठते ही सीधे जाते हैं बगीचा में आम लाने के लिए, और जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ तो कुछ कुछ काम स्टार्ट हो जाता है। तब से तो बैठ के आम चूस रहे थे, और अब चले हैं कपड़ा धोने। और हाँ, इनको पूजा में भी आज जाना है। 7 जून है आज। तो हमारे यहाँ होता है काशीदास बाबा का पूजा, जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा ये पूजा के बारे में, तो इनको वहाँ भी जाना है। और मैं घर पर रहूँगी, और क्या कर सकते हैं। सो हस्बैंड जी के जलवे देख सकते हो आप। जुतवा आए तब पहना मंदिरवा से ना। अभी जाते हैं क्या? हाँ, लड्डू लेवे बोलो। कितना मतलब इन्होंने, एक चप्पल, फिर सैंडल, फिर जूता, और सारा घर का कबाड़ा बन चुका है। अभी मुझे सारा क्लीन करना है। और यहाँ देख सकते हो गाइस, लाइट है नहीं। मैंने अपने आधा साड़ी निकाली है, और आधा भी है निकालने को। ये सब मुझे आज सेट करना है, देख सकते हो। अभी इसके अंदर ही आधा पड़ा हुआ है। इधर है हस्बैंड जी की, तो मजे हैं, घूमने जा रहे हैं ये। और इसमें है, इसमें भी है, लाइट तो है नहीं। ऐसा ही तुम देखो कितना पसीना हो रहा है। जा रहे हो? सुनो, कुछ झोला वाला झोला में दे दी हूँ मंदिर का। तब नहीं दिखाओगे इनको मंदिर? देख लो। अब मेरा पोहा और मूंगफली ले आना प्लीज। तो ये चले गए हैं, और हम लगते हैं अपने काम में। फटाफट से सारा मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है। तो हस्बैंड जी देख सकते हो लड्डू चढ़ा कर आ गए हनुमान जी को, प्रसाद आप लोग भी खा लीजिए। और मेरे लिए लेकर आए हैं मिल्क केक, मेरे लिए लाए हैं, बट अपने पहले खा लिया इन्होंने, दो खा लिया मेरे, झूठ, दो हाथ में दो पकड़ा था, ठीक है। और अब मैं इनको प्रसाद दे देती हूँ, ये जा रहे अपने वहाँ भाभी को पहुँचाने। दो ही ले जाओ, तीन नहीं देना चाहिए जी। मेरा चश्मा कल का वहीं छूट गया है, और इधर बांटना है ना। और भी नहा कर तैयार हो गई हूँ, और देख सकते हो सारा क्लीन हो गया है। अंदर का भी मैंने सब अलमारी में सेट कर दिया। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा, और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। सो पीहू ने भी नहा लिया है, अब पीहू जा रही है सोने, नाश्ता कर लिया उसने। और हस्बैंड जी नीचे चले गए हैं, बहुत गर्मी हो रहा है। कूलर हमने एक नीचे ले गए हैं हम कूलर एक। सो यहाँ देखिए, मैंने चाय छान के रखा है, चाय लेकर और नीचे चलते हैं। सो गाइस, दिल्ली से आने के बाद मुझे लग रहा है सेकंड बार ही मैंने पोहा खाया होगा, क्योंकि टाटा भी मैंने एक ही बार शायद बनाया होगा,
क्या होता था ना, लेट हो जाता था, 11 बज जाएगा, उसके बाद मेरा मन नहीं करता था, जो भी चाय नमकीन रहता था मैं खा के रह जाती थी। बहुत दिन हो गया तो मैंने बोला आज पोहा ले आना, आज बनाऊंगी मैं। तो पोहा मूंगफली ये लेकर आए थे जब लड्डू लेने गए थे, तो मैंने आज फाइनली पोहा बना लिया है और चाय बनाया है साथ में, जो कि हमारा दूध आ जाता है सुबह ही, हमारी जेठानी जी भिजवा देती है बुलाओ बच्चों तब के हाथ आएंगे, से। बुलाओ तब आएंगे। तो गाइस, तो हम आ गए अपने बगीचा में और हस्बैंड जी को देख रहे हो आप, आम तोड़ रहे हैं, है भी उसमें आम। ये सुबह होते ही बगीचा में आते हैं, फिर अभी आए हैं। आंख बचा करो, आंख बचाई के करियो। का फरे का फरे, हाय राम, धूप में हमके तो तू जला ही लिया इल बड़ा, इतना तेज धूप हो। ये हमारा बगीचा है जिसमें आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, लीची का पेड़ है। सो हस्बैंड जी क्या करते हैं, सुबह सुबह यहाँ आ जाते हैं, और अभी हम गए थे अपने जेठानी के घर में, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ अभी हम बस रहते हैं, खाना नहीं बनता है, खाना हमारा जेठानी के पास ही बनता है। तो हम वहाँ खाना खाने गए थे तो पीहू वहीं रह गई और हम आ गए थे, तो इन्होंने बोला चलो बगीचा में आम तोड़ते हैं, और घर में लाइट भी नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो मैं यहाँ बैठी हुई थी और इनको देख सकते हो इनका करामात, गाड़ी में चढ़कर और यहाँ आम तोड़ रहे हैं। मैंने बोला इतने इतना मेहनत करने से अच्छा तो खरीद कर खा लेते, मगर अपने पेड़ से आम तोड़ के खाने का मतलब अलग ही मजा। अरे हम हथम लग जाइ हो, मैं सही एगो मिलल हो, पति देव ने फाइनली मैंगो तोड़ ही लिया। कच्चा ना लगा था ऐसा, पाकल है ऐसा दादी, आई पी हुआ देखी तेरे रोई। सो गाइस, तो मैं बैठी हूँ आप लोगों को सामान दिखाने के लिए, जो मैं उस दिन मंदिर से लेकर आई थी और जो मैं कल लेकर आई थी मार्केट से। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मेरे जूते, देखिए 5000 का है। लाइट है यार, मेरे कैमरे का जी भी आता है मोबाइल का, देख सकते हो ये रहा, ये ऐसा डिजाइन है इसका, ये 100 रुपीज का दिया था। झूठ बोलते हैं ये। उसके बाद ये दो क्या बोलते हैं इसको, अंगोछी टावल, टावल लिया है हस्बैंड जी ने, एक ब्लैक एक पिंक। और ये बड़ी शिद्दत से उन्होंने, बड़ा मन से, और मुझे आधा घंटा तक, आधा घंटा से 10 मिनट कम से कम लगा होगा, ये उन्होंने मुझे खड़ा करवा के वहाँ रखा। सबसे स्पेशल चीज़ ये देख सकते हो, ये मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ तो ये उल्टा आ रहा है, हाथ तो हटाओ मेरे सकल तो दिखने दो। ये लिखा हुआ है रामेश्वर और इधर लिखा हुआ है सरस्वती, जो कि मेरा नाम है। आप लोग अभी तक मुझे संजू के नाम से जानते थे, बट रियल नेम मेरा यही है, देख सकते हो। जो मेरी मम्मी पापा ने मुझे नाम दिया है वो है सरस्वती, जो इन्होंने नाम दिया है वो है संजू। और एक ये लाए हैं नजर बट्टू, जो हमारे घर में लगेगा। तो ये हम लेकर आए थे मंदिर से इतना, और जो कल मैं मार्केट गई थी तो 2 नाइटी हमने लाया था दिखाई की बेटी के लिए, तो वो वहीं छोड़ दिया मैंने। एक तो उसका सेम मेरे जैसा ही था, सेम ऐसा ही कि जैसा है, वेरी नाइस ऐसा ही था, मगर वो छोटा था, मीन्स उसका कलर दूसरा था, बट डिज़ाइन जो देख रहे हो ना वो सेम ऐसा ही था, इसके बाजू पे ऐसा डिज़ाइन है। और ये मात्र हमें मिला है 300 का, और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, कलर मेरा सब मैरून में है और उसका
हाँ, एक रेड और ब्लू में था जो कि ऐसे स्कर्ट टाइप में आता है ना, यहाँ पर रबड़ है और यहाँ मैंने यहाँ इलास्टिक है, हाथ में इलास्टिक है और यहाँ इलास्टिक है, एक वो लिया था उसने और एक सेम टू सेम ऐसा ही था। और जो मैं लेने गई थी मेन, मैं दो चीज़ भूल गई। और क्या लाई हूँ मैं, एक काजल लाई हूँ जो कि मेरा बहुत साल हो गया है तो काजल मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने फिर से ये लिया है लैक्मे का। और सबसे महंगा तो मुझे ये हस्बैंड जी ने लिया अपने लिए पाउडर है, लैक्मे का लिपस्टिक रेड कलर का है ये, उसने दिया 275 का, बहुत महंगा दिया है। और मैं बहुत दिन से खोज रही थी, बहुत दिन से, मतलब फाइनली मुझे मिल गए चूड़ा, सामने से दिखा देती हूँ। सो देख सकते इसमें लटकन भी है ऐसा, और चूड़ा मुझे लेने का बहुत दिन से मन था। चूड़ा क्या होता है ना, किसी भी मतलब साड़ी पर चल जाता है तो इसलिए मैंने लिया है। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा सामान, मेरा ये चूड़ा। और मुझे फेस पाउडर लेना था मगर मैं भूल गई तो हस्बैंड जी ने याद भी नहीं दिलवाया मुझे। और हाँ, क्लेंजर लाया था मैंने जो कि मैंने एक लगाया है, एक पीहू नहीं लगाया है, बस इतना ही शॉपिंग किया था हमने और बस। सो आपको सामान अच्छा लगा, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।